तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आज होना है किस्मत का फैसला और ये करना है जनता को, और इसीलिए आज अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जनता कर रही है, वोटर्स कर रहे हैं। किसके दावों में कितना दम, यही आज मुहर लगाने की बारी है। और ईवीएम में कैद हो जाएगा जनता का फैसला, जिसके बाद होगा नतीजों का इंतजार। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट एक ही चरण में आज डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज दूसरा फेज है और वहां 70 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट किया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की चुरहट विधानसभा सीट कभी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का गढ़ रही है। यहां से अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, राहुल जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा दिया है। इस बार पहली दफे मैं 8 या 9 माह चुनाव लड़ रहा हूं चुरहट से लोकसभा मिला के, लेकिन जिस तरह से हम लोगों की शिकायतों में कोई कार्रवाई नहीं होना, ये पहले कभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं लेता, जिला प्रशासन तो मूर्ख दर्शक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी का बड़ा आरोप और जो चुनाव में जुटे हुए अधिकारी हैं उन पर सीधे सीधे एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाते हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में फाइट कड़ी है या मुकाबला किस तरह का है, क्योंकि चुनाव में इस बार मुद्दे कौन से प्रभावी रहने जा रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको पहले दिखा दें, फिर इस पर भी बात होगी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वोट डालने के लिए जब वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे, जब वो देखिए आपने उन्हें कतार में लगे हुए भी देखा, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए कर रहे थे, उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा जो है उसमें शामिल होते हुए इस वक्त आप भूपेश बघेल को देख रहे हैं, जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। जब बाहर आए हमारे सहयोगी ने उनसे कई सवाल करे, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ज्ञानेंद्र ने जब ये पूछा तो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए, अंत में कह गए कि आलाकमान का फैसला होगा। हालांकि अपने चेहरे का जिक्र करना नहीं भूले कि कांग्रेस का चेहरा कौन है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल है। दिबांग आपके पास आते हुए, जो ब्रेक से पहले हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि मुद्दा कौन सा प्रभावी होगा मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है और लाडली बहना योजना जो एक तरीके से गेम चेंजर हो सकती है ये बीजेपी को लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए लाडली बहना योजना जो है वो बीजेपी के हिसाब से बहुत बड़ी योजना है। वहाँ जो चुनाव प्रचार किया गया तो उसमें तो सब कुछ चलाया, यानी जेएनयू चलाया, हमास चलाया, यूक्रेन युद्ध भी चलाया, लेकिन जो मुद्दा लोगों को सीधे छूता है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मेहनत की है और लगातार मेहनत की है और उन्होंने उसको अपने आप से जोड़ा है, उसमें एक पर्सनल टच दिया है, इमोशनल टच दिया है, मेरे ख्याल से वो एक बड़ा मुद्दा है। ये बीजेपी अगर जैसे चुनाव परिणाम आता है तो बात होगी कि बीजेपी के क्या बाकी नेताओं को भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, केंद्र के नेताओं को भी बढ़ाना चाहिए था, इस पर एक सोचने वाली बात है, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा होगा जहाँ तक बीजेपी का सवाल है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मुद्दा होगा कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सीधे इस चुनाव को लड़ रहे हैं, यानी ये एक जो चुनाव है वो 24 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री एक तरीके से अपने आप को टेस्ट करके देख रहे हैं, बीजेपी टेस्ट करके देख रही है कि अगर इस तरीके से चुनाव लड़ा जाए तो ये बाकी राज्यों में भी इसी तरह से हुआ, तो ये एक बड़ा बदलाव है। अगर आप देखें कर्नाटक में भी यही हुआ, और एक अगर आप कांग्रेस की बात करें, मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा है और जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन उसके लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, पिछड़ों का, ओबीसी का, कास्ट सेंसस का, उस पर एक बड़ा मुद्दा है। उसमें सिर्फ आयरनी यही है, उसमें एक बड़ी बात यही है कि आप इतना बड़ा मुद्दा उठा के चलेंगे और आप अगर आप समाजवादी पार्टी को टिकटें नहीं देंगे तो कहां तक ये सार्थक होगा, वो एक बड़ा सवाल। ठीक है दिबांग, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और मैं इस पर एनालिसिस रामकृपाल जी का क्या कहता है वो भी समझे, लेकिन उससे पहले आयुषी के पास चलते हैं क्योंकि 1 बजे तक का आखिर कितना वोटिंग परसेंटेज दोनों ही राज्यों में है ये सामने आ गया है, आयुषी हमें बताएंगी। बिल्कुल शिरीन, तो दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो सामने आ गया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे, देखिए मध्य प्रदेश में कितना परसेंट अब तक वोट हुआ है ये बता दे, 45.4
40% यहाँ पर वोट हुआ है, लगभग 45% यहाँ पर मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का हम बता रहे हैं, जहां पर सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दूसरी जगह यानी कि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक 38% वोट हो गया है। तो जैसा हम बता रहे थे कि दिन के साथ साथ वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और वो हुआ भी। आप देखिए 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 38 पर पहुंच गया है और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 45% मतदान वहां पर हो गया है। 11 बजे तक 28 ये था, लेकिन अब देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ये वोटिंग परसेंट है शिरीन वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा ये परसेंटेज आगे भी बढ़ेगा। शुक्रिया आयुषी, आपके पास फिर से हम आएंगे। रामकृपाल जी पहले इसी पर बात कर लेते हैं, 45% मध्य प्रदेश में और 38% 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां 1 घंटे जो है वो देरी से मतदान शुरू हुआ था। क्या लग रहा है सर, जो नकुलनाथ कह रहे थे कि अगर 70% पहुंच गया तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं? देखिए नकुलनाथ जी ने जो कहा है उनकी है, लेकिन वोटिंग ज्यादा होना से जरूरी नहीं है कि बदलाव ही हो रहा है। कई ऐसे रिजल्ट पिछले दौर में आए हैं, कुछ पैटर्न देखिए चेंज हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों राज्यों में जिस तरह से जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देने की ज़रूरत है और जनता में एक जागरूकता भी आई हुई है। हम लगातार जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक पोलिटिकल कॉन्शसनेस लगातार जनता में बढ़ रही है। और देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वोटर है 60% वोटर जो है वो 40 से नीचे का है, 40 साल से कम का। तो अब वो पढ़ा लिखा भी है, काफ़ी पूरी तरह से कॉन्शस भी है, डिजिटल मीडिया है, ऐसे दौर में उसको सब पता है। तो मैं मुख्यतः ये बात कहता हूँ कि देखिए जब भी दो पार्टियों में कभी भी दो मुख्य रूप से दो प्रतिद्वंदी होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें समान होती हैं। जैसे ये चार चीज़ें, दो गाड़ियाँ होती हैं तो चार एयरबैग है, चार एयरबैग इधर भी है, पांच इधर है, पांच इधर है। तो ये होता है कि डिफरेंट क्या है, यूएसपी क्या है। मैं हमेशा चाहे जब चुनाव देखिए, आज की तारीख में चुनाव में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। जो लोगों का कहना है कि आपने फ्री कर दिया तो यही है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति हम ही लोग समाज में हैं, 3 चीज़ें होती हैं, निजी हित, सामाजिक हित, राष्ट्रीय हित। बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं से आती हैं। हाँ उसमें यह होता है कि जैसे मान लीजिए अब देखिए कहीं भी जहाँ उत्तराखंड में सरकार रिपीट हुई या उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई, गोवा में रिपीट हुई, जहाँ जहाँ भी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई फ्रीबीज और अचानक इसे आया सर, उस पर हो रहा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ जैसे लाडली बहना वाली जो चीज आप कह रही हैं ये कुछ यूएसपी घलवा की तरह काम कर सकती है, ठीक है सर। लेकिन कोई मेन इशू हो लाडली बहना ऐसा कभी वोटिंग में होता नहीं, ठीक है। दिबांग भी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप देखें तो 2018 में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश में 2018 में हुई, 76% वहां पर वोटिंग पड़ा हुई थी। तो वो एक आंकड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बार बार आंकड़ा आता रहेगा, ठीक है सर। और इस पर हम आगे विस्तार से भी बात करेंगे। तो जिस तरीके से देखिए 1 बजे तक के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं, 1 बजे तक मध्य प्रदेश में 45% और छत्तीसगढ़ में 38% मतदान अब तक हो चुका है और उम्मीद इसी बात को लेकर कि ये आगे और बढ़ेगा लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और आज दिग्गजों ने भी अपना अपना वोट कास्ट किया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिग्गजों की, जब वोट डालने पहुंचे कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया भी जब वोट डालने पहुंची उस वक्त की तस्वीरें हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इस बार खुद प्रत्याशी हैं दिमनी से, दिग्विजय सिंह भी जब अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें, क्योंकि इस चुनावों में जिस तरीके से दावे और वादे किए गए अब उनको अंतिम जो रूप एक तरीके से देना है, उन पर मोहर जो लगानी है वो जनता को करना है, आज जनता का काम है। और इसी बीच दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के दुर्ग से तस्वीरें आप देख रहे हैं, भूपेश बघेल जब वोट डालने पहुंचे थे उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और वोट डालने के बाद जब बाहर आए मुख्यमंत्री उन्होंने मीडिया से बात की, हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी के कई सवालों का जवाब भूपेश बघेल ने दिया है, सुनवाते हैं। दूसरे चरण के 70 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और पिछले 10 मिनट से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री यहां खड़े हैं और इन्होंने मना कर दिया था कि बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा जब आप खड़े ही हैं तो थोड़ा समय का सदुपयोग कर लें। तो लाइन में लगा के खड़े हैं आप, अमूमन देखा जाता है कि जब आपके कद के नेता आते हैं तो अंदर चले जाते हैं, वोट डाल देते हैं। तो आज वोटिंग का दिन है इसलिए तो नहीं इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, मतदान
भाई मतदाता तो सभी हैं और सभी को समान अधिकार मिला हुआ है, तो जब समानता की बात है तो फिर उसमें आप उसको लाइन तोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो सभी आज बराबर हैं, मतदाता हैं, जब जिम्मेदारी मिले तब बात अलग है, लेकिन आज तो मतदाता सभी हैं और इसलिए हम सब लोग लाइन में हैं। मुख्यमंत्री जी, हम लोग यहाँ बहुत सारे पत्रकार खड़े थे, लोग ये कह रहे थे कि लगता है कुछ चिंता की लकीरें हैं जिसकी वजह से भूपेश बघेल जी इतना वक्त लगा रहे हैं, नहीं तो वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि सुबह आते हैं परिवार के साथ वोट कर देते हैं, देरी की वजह क्या थी? पंडित जी से उम्मीद ये थी कि यही सवाल पूछोगे आप, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, काका अभी जिंदा है। काका अभी जिंदा है का ब्रांड जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने एक ब्रांड बनाया है, लेकिन ये इस बात की चिंता है काका अभी जिंदा है कह रही है छत्तीसगढ़ की जनता। बिल्कुल। अच्छा, 75 पार का नारा दे रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग की, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ओम माथुर, लगातार कैंपेनिंग, इस कैंपेनिंग के बाद और बीजेपी के घोषणा पत्र में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके धान की नीति ने मजबूर उन्हें किया, इसके बाद लगता है कि आप अभी भी 75 पार का नारा दे पाएंगे? क्या मोदी की गारंटी पर किसी को विश्वास नहीं है? मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों? कांग्रेस की गारंटी भी लोगों को भरोसा है। अच्छा, इसके अलावा जितने आरोप लगातार आप देख रहे होंगे ईडी, हालांकि आप कहते रहे हैं कि ये सारे चुनावी हथकंडे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं इसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तो शुरू से कहते रहा हूँ, ये चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक थे, है ना, उसके बाद फिर दूसरी जगह जहाँ चुनाव होगा फिर ईडी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। अंतिम सवाल, हमारा एक शो चलता है मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि अगर आप जवाब दे देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसानी होगी, आप ही बनेंगे मुख्यमंत्री ये मान लें? जी, ये पहली बात तो है कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बात है ये जो दूसरा जो लाइन है, वो जो सवाल है वो हाईकमान का है, ये उसका उत्तर हाईकमान ही देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी सवालों का जवाब देते हुए और कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है कि चुनाव था इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, और चुनाव के बाद हो सकता है कि सब शांति में बदल जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।